हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके किस प्रकार से साइज पता कर सकते हैं डेटा टाइप्स का। तो सी लैंग्वेज में ये कैसे होगा, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल बनाई है stdio.h और फिर इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन हमने बनाया है। उसके बाद मैंने पहला वेरिएबल लिया है इंट टाइप का, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ शॉर्ट टाइप का, शॉर्ट, ठीक है, और उसका नाम रखता हूँ बी। फिर तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे जो कि होगा लॉन्ग टाइप का, किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का, उसका नाम है सी, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूं जो कि लॉन्ग डबल है, यहां पे लिखता हूं लॉन्ग डबल। आप जानते हैं कि लॉन्ग डबल को हम परसेंट एलएफ से डिनोट करते हैं सी लैंग्वेज में, तो ये लॉन्ग डबल हमने बना लिया और वेरिएबल का नाम है डी, ठीक है। अब अगर हम फ्लोट डेटा टाइप का भी साइज पता करना चाहते हैं तो यहां पे लिखा हमने फ्लोट, चीज एक ही है, डबल या फ्लोट लिखे हम, ठीक है, तो फ्लोट लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे कर लेता हूं ई। तो इतने की हमें साइज पता करनी है। एक और वेरिएबल बना लेता हूं मैं जिसका नाम रख लेता हूं मैं कैर, ठीक है, और इसे कर देता हूं एफ, ठीक है। यानी इतने की हमें क्या करनी है, साइज पता करनी है। तो यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ, आप जानते हैं कि प्रिंट एफ में जो चीज लिखी जाती है वो चीज प्रिंट होकर आ जाती है। मैं यहां पर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करने वाला हूं, मैं यहां पर लिखता हूं साइज ऑफ, सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहले है इंटीजर, तो लिखता हूं साइज ऑफ इंट, इंट न लिख करके मैं लिखता हूं पूरा इंटीजर, ठीक है, साइज ऑफ इंटीजर इज परसेंट डी, ठीक है, यहां लिख दिया हमने परसेंट डी और बैक स्लैश एन यहां लगा देंगे ताकि लाइन यहां पर चेंज हो जाए, और यहां पर लगाऊंगा मैं साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यहां पे लिखता हूं साइज ऑफ, ठीक है, और अब यहां पर क्या देना है, हमें ए देना है, ठीक है। सबसे पहला जो हमने लिया है इंटीजर वो ए है, तो यहां पे ए दिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज किया, यहां पर टर्मिनेट किया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्या करना है, यहां पर लिखना है प्रिंट एफ, ठीक ठीक है, शॉर्ट इज परसेंट डी, ये लिखा हमने, और यहां पे बैकस्लैश एन लगाता हूं, और अब यहां पे क्या देंगे हम, साइज ऑफ ऑपरेटर को मेंशन करेंगे साइज ऑफ, ठीक है, और यहां पे क्या है हमारा, यहां पे है बी, तो यहां पे मैं बी दे देता हूं, ठीक है, बी दे दिया हमने, और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहां पर। फिर यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ, और इस बार मैं क्या करूंगा, साइज ऑफ लॉन्ग इज, ठीक है, परसेंट डी, बैकस्लैश एन लगाया हमने, और यहां पर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं साइज ऑफ, और अब हम क्या देंगे यहां पे, यहां पे देंगे सी, ठीक है, तो ये हमने दे दिया। अब फिर प्रिंट एफ लिखता हूं, प्रिंट एफ, ओके, यहां पे देंगे साइज ऑफ लॉन्ग डबल, अब यहां लिखेंगे लॉन्ग डबल इज, ठीक है, यहां पे लिखेंगे परसेंट डी, ठीक है, और यहां पे बैकस्लैश एन भी लगा देता हूं, लाइन चेंज हो जाएगी, और यहां पर ये आकर के वैल्यू स्टोर होगी डी में, तो यहां साइज ऑफ ऑपरेटर लगाऊंगा, तो साइज ऑफ और यहां पे लिखूंगा डी, ठीक है, क्लोज किया, टर्मिनेट किया। फिर प्रिंट एफ लिखता हूं, प्रिंट एफ, ओके, साइज ऑफ अब क्या देना है हमें, अब देना है फ्लोट डेटा टाइप का, तो एफ एल ओ ए टी फ्लोट इज परसेंट, आप जानते हैं कि परसेंट एफ होता है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन देखिए यहां मैं लिख रहा हूं परसेंट डी, एफ नहीं लिखूंगा, परसेंट डी लिखूंगा, ठीक है, और यहां पे लिखा हमने बैकस्लैश एन, ठीक है, और इसको क्लोज किया। यहां पर अब हमें देना है साइज ऑफ ऑपरेटर, तो लिखता हूं साइज ऑफ, ठीक है, और यहां पर इसमें हमने लिया है ई, तो यहां पे ई दे दिया हमने, दोनों ब्रैकेट को क्लोज किया, टर्मिनेट किया। फिर लिखता हूं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिखूंगा डबल डॉट कॉमा में साइज ऑफ, अब क्या बचा हुआ है, कैर, तो कैर इज, यहां पे फिर मैं परसेंट डी ही लिखता हूं, आपको पता है कि परसेंट डी नहीं होता है, कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंट सी, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है परसेंट डी, ठीक है। अब साइज ऑफ ऑपरेटर किस तरह से काम करता है वो देखते हैं हम, यहां पे लिखता हूं साइज ऑफ, ओके, तो यहां एफ लिख दिया,
और यहां पे टर्मिनेट किया। अब हमें क्या करना है, यहां पे करना है रिटर्न जीरो, लिखता हूं रिटर्न जीरो, यहां पे क्लोज किया इसको। तो इन सब की साइज ये बताएगा, कैसे बताएगा आइए देखते हैं। यहां पर पहले सेव करते हैं इसको, मैं इसे साइज ऑफ के ही नाम से सेव करता हूं, साइज साइज के नाम से सेव कर देता हूं। साइज डॉट सी लगाना जरूरी है, बी केयरफुल, ठीक है। तो यहां पे लगा दिया हमने। यहां पर देखिए जो कर्ली ब्रैकेट हमको क्लोज करना है वो ओपन ही नहीं किया है हमने, तो यहां पर हम ओपन भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहां से हटा देंगे तो ये हट जाएगा, और अब हम यहां से इसको करेंगे सेव। तो करते हैं सेव, तो चलिए इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं। पहले मैं कंपाइल करवाता हूं, यहां से कंपाइल करवाया हमने, तो ये कंपाइल हो गया प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली। अब यहां से रन करवा देता हूं, तो आप देख पाएंगे कि यहां पे देखिए साइज ऑफ इंटीजर, यानी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यहां 4 बाइट दे रहा है इंटीजर की साइज, ठीक है। अब साइज ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट की जो साइज होती है वो 2 बाइट की होती है, लॉन्ग की जो साइज होती है वो होती है 4 बाइट की, ठीक है, लॉन्ग डबल यानी 12 बाइट, ओके। और यहां साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट की साइज जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बाइट की ही होती है, और कैरेक्टर की साइज जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बाइट की होती है। तो ये सारे साइज ऑफ ऑपरेटर से प्रिंट होकर इनकी साइज आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कैसे करना है आपको जरूर समझ में आया होगा। आपको जो भी डेटा टाइप की साइज पता करनी है तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही इजीली आपको साइज निकाल करके दे भी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।